छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाथियों ने बुधवार रात स्कूटी सवार परिवार की जान ले ली। हाथियों ने युवक को कुचल दिया, वहीं पत्नी और 4 साल के बेटे को फुटबॉल की तरह कीक मारकर करीब 100 मीटर तक फेंक दिया। कुन्नी निवासी गौतम दास उम्र 30, अपनी पत्नी नीरा दास 28 वर्ष और 4 साल के बेटे युवराज के साथ स्कूटी से उदयपुर गया था। वहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 30,000 रुपये निकालने के बाद तीनों बुधवार रात गांव लौट रहे थे। इसी दौरान अलकापुरी से मोहनपुर चौक के पास रास्ते में खड़े हाथियों ने स्कूटी सवार परिवार पर हमला कर दिया। हाथियों ने महिला व बच्चे को उछाल कर दूर फेंक दिया और गौतम को उसी जगह पर कुचल दिया। घटना में तीनों की मौके पर मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही वन विभाग के अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। हाथियों को जंगल की ओर भगाने के बाद तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीड़ित परिवार को गुरुवार सुबह 75,000 की तात्कालिक सहायता दी जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन अमला निगरानी में जुटी हुई है। लोगों की भीड़ हाथियों को और उग्र कर रही है। हाथियों ने रामनगर में 2 लोगों के मकान को तोड़ दिया। इसके साथ ही कई ग्रामीणों की फसल रौंद कर बर्बाद कर दिया। वन विभाग ने बताया कि अभी हाथियों का दल मरकम कथा घनघोर जंगल में मौजूद है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।